हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अंडरस्टैंडिंग इंडिया के क्वेश्चंस करवाया जाएगा। 19/2/23 को पूछे गए क्वेश्चंस हैं किसके, देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे बीबीयू सेमेस्टर वन की ऑल क्वेश्चन करवाया जाएगा आपका। किसका? अंडरस्टैंडिंग इंडिया, देखिए सेट थ्री है तो 22/26 सेशन आपका है, टाइम थ्री है, फुल मार्क्स था 75 का। आइए समझते हैं क्या क्या। देखिए सबसे देखिए आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी यहाँ बताया गया। ठीक है, सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। देखिए लिखा गया था पहला क्वेश्चन, हु रॉट द फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये देखिए लिखा है जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जवाहरलाल नेहरू जो है लिखे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 की और, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन। जैनिज्म में देखिए प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ, SHA, ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव जो है फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म का। वास्तविक कहा जाता है महावीर स्वामी को। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? देखिए कितने अनुच्छेद थे पूछता है। ठीक है, अब देखिए जब मूल संविधान बने थे उसमें कुल मिला के मूल, याद रखिएगा अनुच्छेद जो फ्रेंड उसमें 300 जो है पहले, ठीक है 300 समथिंग कुछ था ना, 300+ समथिंग था। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था गांधी जी का सत्य के साथ मेरा प्रयोग मूलतः, माई सरमेंट्स विद ट्रुथ ऑफ गांधी जी वॉज जनरली रिटेन इन विच लैंग्वेज। वो लिखे थे किस में? इंग्लिश में लिखे थे। इंग्लिश में याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भारत किस महादेश में स्थित है? तो भारत महादेश है एशिया में, इसको बोलते हैं कंटिनेंट में, एशिया कंटिनेंट। पूछा गया राइट शॉर्ट नोट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, निम्नलिखित इन 2 खाली वर्ड के लिए तक्षशिला विद्यापीठ के बारे में लिखने के लिए एग्जाम में आया था अंडरस्टैंडिंग इंडिया में। आइए देखिए अगला कहते हैं। देखिए आया था आपका वेदाज के बारे में लिखने के लिए। ठीक है, देखिए कुल मिला के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। आया था पंचवर्षीय प्लान के बारे में, आया था सर्वोदय का सिद्धांत के बारे में आया था। पंचवर्षीय प्लान मतलब होता है 5 साल का योजना को बोलते हैं। पंचवर्षीय शुरुआत हुआ था 1951 से लेकर 1956 तक, पंचवर्षीय योजना। आइए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालने। क्वेश्चन 3 आया था वर्धमान महावीर की जीवनी एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन देखिए आया था गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर प्रकाश डालने। क्वेश्चन आया था गांधी जी के अहिंसा थे, इनके जन्म दिवस 65 दिवस मनाया जाता है और झारखंड में देखिए 1955 था, विद्रोह का विवरण दे। ये क्वेश्चन का ये था 15 नंबर का। अगला देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आया था आचार्य विनोबा भावे की जीवनी और विचारों पर प्रकाश डालें। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें आया था और भारत की भौगोलिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था अंडरस्टैंडिंग इंडिया में। अच्छा लगा तो लाइक नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।